तो दोस्तों Redmi का एक नया फोन लॉन्च हो गया चाइना के अंदर, बहुत जल्द आपको इंडिया में भी देखने को मिल सकता है। ये कौन सा सीरीज है ये तो आपको पता हो कि Redmi का अभी कौन सा सीरीज चल रहा है उसी सीरीज के ऊपर है, यानी कि Redmi का Note 11 सीरीज में ये फोन लॉन्च हो गया है। तो टेक की बात है कि इस वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे, तो अगर आपको जानने में इंटरेस्ट है तो देखते रहिए इस वीडियो को। तो जैसे बताया कि Redmi का एक नया फोन लॉन्च हो गया है और ये बेस मॉडल में आ गया, क्योंकि Redmi का जो Note सीरीज है जितने प्राइस में आ रहा है, Note 11 का बात कर रहा हूँ, तो Note 11 का जितने भी फोन अब तक जितने प्राइस में, उससे सस्ता साइज से ये थोड़ा देखने को मिल सकता है। इसका नाम है Redmi Note 11 E। तो Note 11 लॉन्च हो गया है, Note 11 का प्रो वगैरह भी लॉन्च हो गया है, आई हो गया है, लेकिन ई नहीं आया था, तो ये आने वाला है चाइना में, ये लॉन्च हो गया, किस तरह देखने को मिलता है इन सब के बारे में बात करें। लेकिन उससे पहले मैं बात करना चाहता हूँ कि सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग आ रहे हैं और लाइक भी कर रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो लगभग 60% लोग यहाँ पे सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो यार, फ्री है, अगर अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं Redmi Note 11 E के बारे में। तो दिखने में ये Redmi के Note 11 सीरीज जिस तरह आपको देखने को मिलता है उसी तरह देखने को मिलेगा, लेकिन पीछे की तरफ आप डिजाइन देख सकते हैं, दो कैमरा आपको देखने को मिल सकता है। आगे की तरफ बात करें तो वो भी चेंज हो गया है, ज़्यादातर आपको आजकल जितने भी Redmi के सीरीज या फिर किसी भी फोन आ रहे हैं सब पंच होल वाला डिस्प्ले है, लेकिन यहाँ पे आपको जो पुराना डिजाइन यानी कि नॉच वाला डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाएगा। अब उसी से बात करते हैं इसका डिस्प्ले साइज के बारे में। तो 6.65 इंच का यहाँ पे आपको FHD प्लस यानी कि 1080p वाला LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ, और ब्राइटनेस लेवल की बात करें 600 निट्स का यहाँ पे आपको ब्राइटनेस लेवल देखने को मिल जाएगा। तो AMOLED वगैरह यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन रिफ्रेश रेट 90Hz का मिलेगा और LCD वाला यहाँ पे आपको डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं इसका प्रोसेसर के बारे में। तो MediaTek का Dimensity 700 वाला यहाँ पे आपको प्रोसेसर मिलेगा, तो ये एक 5G फोन होने वाला है, 700 सीरीज का यहाँ पे आपको Dimensity 700 प्रोसेसर मिलेगा। माली का G57 वाला GPU देखने को मिलेगा, G57 वाला यहाँ पे आपको GPU देखने को मिल जाएगा। रैम वेरिएंट की बात करें, दो वेरिएंट में आपको देखने को मिल जाएगा, 4GB 120GB एंड 6GB 120GB UFS 2.1 यहाँ पे आपको स्टोरेज वेरिएंट देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे कैमरे के बारे में बात करें तो जैसे होता है कि डबल कैमरा का सेटअप है यानी कि डुअल कैमरा का सेटअप है, तो पीछे की तरफ 50+2MP का यहाँ पे आपको कैमरा देखने को मिल जाएगा, और सामने की बात करें तो 5MP का यहाँ पे आपको कैमरा देखने को मिल जाएगा। ये किस तरफ का दिया गया मुझे पता नहीं है, आजकल जनरली नॉर्मली जो फर्स्ट सेल्फी कैमरा होता है वो एटलीस्ट 8MP का देते हैं, लेकिन इस फोन में जो चाइना में लॉन्च हुआ यहाँ पे आपको 5MP का देखने को मिल जाता है। तो पूरा बजट कम करने का कोशिश किया गया है Redmi की तरफ से, लेकिन अगर आखिर में प्राइस बताऊंगा तो मुझे नहीं लगता आप शौक हो जाओगे, क्योंकि इसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा रखा गया है, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि इंडिया में लॉन्च होगा तो थोड़ा कम हो सकता है, क्योंकि इस तरह स्पेस के साथ बहुत कम प्राइस होना चाहिए, क्योंकि देखिए कैमरा 50MP तो मिल रहा है लेकिन सेल्फी कैमरा यहाँ पे आपको 5MP का देखने को मिल रहा है। बाकी जो की बात करते हैं तो 4G वोल्टी 5G वगैरह ये सब मिल जाएगा, टाइप सी पोर्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, 3.5mm जैक भी आपको देखने को मिल जाएगा, और लेटेस्ट MIUI आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब आखिर में बैटरी के बारे में बात करते हैं, तो 5MAh के यहाँ पे आपको बैटरी मिलेगा, 18W का फास्ट चार्जर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। प्राइस की बात करते हैं तो अप्रॉक्स 40,000 के आसपास इसका प्राइस रखा गया है बेस मॉडल का, लेकिन मुझे यहाँ तक लगता है अगर इंडिया में आएगा तो कम होना चाहिए, क्योंकि इस स्पेक्स के साथ Dimensity 700 जो कि आपको पोको का जो पोको M3 प्रो है उसमें भी आपको देखने को मिल जाता है, वो भी आपको 12,000 के आसपास देखने को मिलता है। तो ये भी अगर 11,000 के आसपास अगर इंडिया में लॉन्च होगा तो अच्छा होगा, नहीं तो ये मार्केट में नहीं चल पाएगा, क्योंकि बहुत सारे और भी कंपटीटर यहाँ पे है। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना, और इस फोन के बारे में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ पे कर देना, और इस वीडियो के द्वारा कुछ इंफॉर्मेशन मिला है तो जरूर से लाइक कर देना, और एक सबसे जरूरी बात कि मेरा नाम है सुमन, आप देख रहे हैं डिपेंडेंट यूट्यूब चैनल, मैं भी तो आपको एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।